नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ करा दिया है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने ये बयान म्यांमार रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल यूमिन अंग हिर्यांग से मुलाकात के दौरान कही। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल के लिए एटीएस और एनआईए की टीम विधानसभा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एनआईए विस्फोटक कांड की जांच में जुट गई है। साथ ही एनआईए विस्फोटक और जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन की भी जांच करेगी, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने पिछले दिनों ऑडियो टेप जारी कर दो बार योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। आतंकियों के खिलाफ सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा ऑपरेशन किया, जिसमें त्राल के सतूरा गांव में आतंकियों को घेरने में सफलता मिली। मारे गए आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की तरफ से दिए गए रेप के एक बयान के बाद राजनीति में बवाल मच गया है। रूपा गांगुली ने कहा है कि बंगाल में बाहर से आने वाली बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। रूपा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सोमन देव चटर्जी ने कहा है कि सबसे पहले रूपा गांगुली बताए कि उनके साथ कितनी बार रेप हुआ है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक जवान को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है। ये जवान पुलवामा के विधायक एजाज अहमद के ड्राइवर के रूप में तैनात है। विधायक एजाज अहमद पीडीपी के विधायक है। आरोपी जवान के लिंक आतंकियों से होने की आशंका है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तेजस्वी यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मंच से तेजस्वी यादव की नेम प्लेट भी हटा ली गई। इससे पहले मंच पर सीएम की कुर्सी के पास उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की नेम प्लेट को कवर किया गया था। कश्मीर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटेगी। साथ ही कहा कि कश्मीर में तनाव के पीछे चीन का भी हाथ है। इसके साथ ही बोली, कश्मीर में बाहर से आतंकी आ रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी और आतंकी हमलों की खबर के बीच जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक शानदार मिसाल देखने को मिली है। यहाँ एक कश्मीरी पंडित के अंतिम संस्कार में मुस्लिम समुदाय के लोगों में ने न केवल मदद की बल्कि अर्थी को कंधा भी दिया। जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द की ये मिसाल पुलवामा जिले के त्रिचाल गाँव में देखने को मिली। दिल्ली के द्वारका के एक होटल में कपल की लाश पंखे से लटकी मिली है। घटना की प्राथमिक जांच के बाद फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या का मामला ही मान रही है। लड़के की उम्र 17 साल है। वे कक्षा 12वीं का स्टूडेंट था। वहीं लड़की एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। बता दें कि पुलिस ने होटल में रूम लेते वक्त जमा किए गए दोनों के आईडी कार्ड को सीज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार पर एक चलती ट्रेन में भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावरों ने रॉड से पिटाई करने के साथ ही परिवार को लूटा और सांप्रदायिक गालियां दी। यूपी के फरुखाबाद में हुए इस हमले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें महिला पुरुष के साथ दिव्यांग बच्चा भी घायल है। यूएस की प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में मदद के लिए दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग की शर्तों को और सख्त बनाने के लिए 3 विधायी संशोधनों पर वोट किया है। इसमें शर्त रखी गई है कि वित्तीय मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संतोषजनक प्रगति दिखानी होगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मदद देना बंद नहीं किया तो उसे वित्तीय सहायता से हाथ गंवाना पड़ेगा। रेल यात्री की सुविधा के लिए रेलवे ने इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप रेल सारथी लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यात्रियों को सभी सुविधाओं और शिकायतों के लिए ये ऐप सहायक साबित होगा। रेल सारथी ऐप के जरिए टिकट बुकिंग से लेकर कैटरिंग और शिकायत सब कुछ एक ही जगह पर कर सकते हैं। WWE में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान और हरियाणा की बेटी कविता दलाल ने अमेरिका के फ्लोरिडा में 13 जुलाई की रात को WWE माई यंग क्लासिक चैंपियनशिप में अपनी फाइट में जोरदार परफॉर्मेंस दी। कविता को विश्वास है कि वे फाइनल में अपनी जगह जरूर बना लेंगी। रोजर फेडरर रिकॉर्ड 8वें विंबलडन खिताब से एक कदम दूर रह गए हैं। उन्होंने चेक रिपब्लिक के टॉमस बर्डिच को 7-6, 7-4, 6-4 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। 18 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल पर कब्जा जमा चुके फेडरर 11वीं बार विंबलडन का फाइनल खेलेंगे। बता दें कि कल उनका मुकाबला एशिया के मारिन सिलिक से होगा, जो पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल मैगजीन वैनिटी फेयर यूके के लिए कराए गए अपने फोटोशूट का एक फोटो दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में दीपिका ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही है, लेकिन दीपिका के इस फोटो पर कई लोगों ने उन्हें बेहद दुबली दिखने के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया है।
मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।